मेरा नाम है नितिन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, जब भी हम पहली बार वर्ड सुनते हैं इंग्लिश, तो बहुत सारे कन्फ्यूज हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट करें, किसके साथ प्रैक्टिस करें, कैसे टिप्स लें। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में दे चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोज़ दोस्तों मेरे चैनल पर अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोज़ को देखिए और अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कीजिए और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं, यानी कि रिश्ते। कुछ रिश्ते तो जो हमारी लाइफ में जो बाय बर्थ हमारी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, जिनके नाम हम हिंदी में जानते हैं, उन्हें अब हम इंग्लिश में सीखेंगे। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आप छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, जिससे काफ़ी इंटरेस्ट आपके माइंड में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों सीखेंगे रिलेशंस नेम इन इंग्लिश। रिलेशन यानी कि दोस्तों रिश्ते। बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही काफी सारे रिश्ते हमारी लाइफ से कनेक्टेड हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते दोस्तों हमारी लाइफ में आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, दोनों रिश्तों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उन रिश्तों को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास दोस्तों वर्ड माता पिता। हमें सबको पता है दोस्तों, हिंदी में हम मम्मी को यानी कि माता को बोलते हैं मदर, और पिता को यानी कि फादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं माता या पिता, और इंग्लिश में बोलते हैं फादर या मदर। अगर दोनों को हम इसके साथ कनेक्ट कर दें माता पिता, ठीक है दोस्तों, सेपरेटली बोलोगे तो मदर और फादर, अगर साथ में आप इसको यूज करते हैं तो हम बोलते हैं हिंदी में माता पिता। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम पेरेंट्स। सिंपल सा वर्ड है दोस्तों, माता पिता, तो इंग्लिश में हम कहेंगे उन्हें पेरेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों भाई बहन। ठीक है दोस्तों, भाई को ब्रदर बोलते हैं और बहन को सिस्टर बोलते हैं। अगर आप कनेक्टेड करते हैं यानी कि एक साथ आप पढ़ाने जाते हैं, तो भाई बहन के लिए आप वर्ड यूज करेंगे सिबलिंग्स। याद रखिए दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं भाई बहन, और इंग्लिश में आप इसको कहेंगे सिबलिंग्स, यानी कि भाई और बहन को अपने एक साथ जोड़ के बताया तो हम बोलेंगे सिबलिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में मामा या चाचा। मामा जैसे यानी कि जो आपकी मम्मी के जो भाई हैं वो आपके मामा लगे, और आपके जो पापा के भाई हैं वो आपके चाचा लगे। दोस्तों चाचा बोलिए, ताऊ जी बोलिए, फूफा जी बोलिए, सारे इसमें यूज होते हैं। इन सबको हम बोल सकते हैं दोस्तों अंकल। अब आप थोड़े से कंफ्यूज शायद यहाँ पे हो जाएंगे कि मामा को भी हम अंकल बोलेंगे और चाचा को या ताऊ जी को भी हम अंकल बोलेंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में होता है। दोस्तों इनको सेपरेट करने के लिए एक छोटा सा वर्ड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पैटर्नल और मैटर्नल। ठीक है दोस्तों, मैटर्नल यानी कि मम्मी से जो कनेक्टेड रिश्ते हैं उनको आप आगे मैटर्नल लगा सकते हैं, और जो पापा से कनेक्टेड रिश्ते हैं उनके आगे आप पैटर्नल लगा सकते हैं। यानी कि जो आपके मामा है यानी कि जो आपके मम्मी के भाई हैं उनको आप मैटर्नल अंकल बोल सकते हैं, और जो आपके पापा के भाई यानी कि चाचा या आपके ताऊ जी उनको आप पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मैटर्नल अंकल और पैटर्नल अंकल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में दोस्तों बुआ या मौसी। बुआ यानी कि आपके पापा की जो सिस्टर है वो आपकी बुआ लगी, और आपकी मम्मी की जो सिस्टर है वो आपकी मौसी लगी। इंग्लिश में दोनों को दोस्तों बोलते हैं आंट। ठीक है दोस्तों, अब यहां भी आप वही यूज कर सकते हैं मेथड, पैटर्नल आंट या मैटर्नल आंट। आई होप सो दोस्तों आपको याद होगा। ठीक है, तो मैटर्नल लगाते हैं हम मम्मी के रिश्तों के, यानी कि जो आपकी मौसी है वो आपकी मम्मी की सिस्टर है तो वो लगी मैटर्नल आंट, और आपके पापा की जो सिस्टर है यानी कि आपकी बुआ वो लगी आपकी पैटर्नल आंट। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप कॉमनली सिर्फ आंट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में चचेरा भाई या चचेरी बहन। चचेरे यानी कि दोस्तों हमारे होते हैं ना ताऊ जी के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, सारे हमारे जो भाई बहन लगते हैं, जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर नहीं होते, हमारे रिलेटिव्स के जो भाई बहन होते हैं उनको हम दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कजन। हिंदी में आप बोलते हैं चचेरा भाई या चचेरी बहन, इंग्लिश में आप इनको कहेंगे कजन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में भांजा या भतीजा। ठीक है दोस्तों, आपकी जो सिस्टर है, मान लीजिए आपकी सिस्टर है, उनका जो बच्चे हैं वो आपके भांजा लगा लड़का, और आपके जो भाई का जो लड़का लगा वो आपका लगा भतीजा। तो दोस्तों दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। हिंदी में बोलते हैं भतीजा या भांजा, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे नेफ्यू। और सिमिलरली दोस्तों अगर इसे फीमेल के बारे में हम बात करें तो ये हो जाएगा भतीजी या भांजी, तो इंग्लिश में आप इन्हें बोलेंगे नीस। याद रखिए दोस्तों, हिंदी में हम बोलते हैं भतीजी या फिर भांजी, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे नीस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में दादा या नाना। ठीक है, दादा यानी कि आपके पापा के जो पापा होते हैं उनको हम बोलते हैं दादा, और आपके जो मम्मी के जो पापा होते हैं उनको बोलते हैं हम नाना। तो दोनों को सोच से यहाँ पे हम ग्रैंड फादर कहेंगे, दादा को भी और नाना को भी हम कहेंगे ग्रैंड फादर। अब दोस्तों यहाँ भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि दादा भी ग्रैंड फादर और नाना जी भी ग्रैंड फादर, तो सेपरेट कैसे करें? तो दोस्तों वही वाली आप ट्रिक यूज कीजिए, मैटर्नल और पैटर्नल। ठीक है, सो पैटर्नल ग्रैंड फादर, जो आपके पापा के पापा है उनको आप पैटर्नल ग्रैंड फादर बोल सकते हैं, और जो आपकी मम्मी के पापा है उनको आप मैटर्नल ग्रैंड फादर बोल सकते हैं। चाहे तो खाली ग्रैंड फादर भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप मैटर्नल ग्रैंड फादर बोलिए या तो पैटर्नल ग्रैंड फादर बोलिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दादी या नानी की। दोस्तों तो बस सिंपल सा एक चेंज यहाँ पे आ जाएगा, इनको बोलेंगे हम ग्रैंड मदर। याद है दोस्तों, या फिर आप पैटर्नल ग्रैंड मदर या फिर मैटर्नल ग्रैंड मदर भी इनको कह सकते हैं। दादी को आप बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, और मम्मी के जो मम्मी है आपकी यानी कि जो आपकी नानी है उनको आप कहेंगे मैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में नाती या पोता।
अब जो आपके दादा या दादी होते हैं या नाना जो नानी होते हैं उनके आप दोस्तों क्या लगे, अगर आप लड़का हो तो आप पोता लगे, अपने दादा के आप लगे पोते, या आपके जो नाना जी उनके आप लगे नाती, अगर आप एक मेल है लड़का है तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे दोस्तों ग्रैंडसन। ठीक है दोस्तों, अगर आप पोता या नाता वर्ड नाती वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे तो उसको कहेंगे हम ग्रैंडसन। और यही फीमेल के केस में यानी कि हिंदी में हो जाता है दोस्तों नवासी, धेवती भी लोग बहुत से बोलते हैं, या फिर पोती, तो इसको बोलेंगे हम ग्रैंड डॉटर। याद रहेगा दोस्तों, अगर आप लड़का हैं तो ग्रैंड सन, और अगर आप लड़की हैं तो ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में दामाद। अब ये दोस्तों कुछ रिश्ते हैं जो शादी के बाद बनते हैं, जैसे आपकी शादी हो जाती है, अगर आप एक लड़का है तो आप अपने जो वाइफ है उनके मम्मी और पापा के लिए आप बन गए दामाद। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में उनके कहते हैं दामाद, इंग्लिश में आप कहेंगे सन इन लॉ। ठीक है दोस्तों, बेटे जैसे ही होते हो आप, बस लॉ यानी कि कानून के अकॉर्डिंग, क्योंकि शादी के बाद उसके अकॉर्डिंग आप उनके बेटे बने, तो इंग्लिश में आप उन्हें कहेंगे सन इन लॉ। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहेंगे दामाद और इंग्लिश में आप कहेंगे सन इन लॉ। सिमिलरली दोस्तों यानी कि बहू, आपकी जो वाइफ होंगी वही केस आपके घर में रहेगा, जब वो आपके घर में आएंगी तो वो बन जाएंगी डॉटर इन लॉ। ठीक है दोस्तों, हिंदी में उन्हें कहेंगे बहू, यानी कि आपके जो मम्मी पापा होंगे उनके लिए वो बहू होंगी, तो उनको इंग्लिश में आप कहेंगे डॉटर इन लॉ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम सास, यानी कि आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है उनकी जो मदर है, लीगली उनको बोलो दोस्तों बोला जाता है सास, तो आप इंग्लिश में उन्हें कहेंगे मदर इन लॉ। और जो ससुर यानी कि आपके जो मम्मी हस्बैंड या वाइफ के जो पिताजी होंगे उनको आप इंग्लिश में बोलेंगे ससुर, तो हिंदी बोलेंगे ससुर, इंग्लिश में आप उन्हें कहेंगे फादर इन लॉ। आई होप सो दोस्तों ये कुछ जो रिलेशन मैंने आपको क्लियर की आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो गएंगे और इनको यूज करना भी आप सीख गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों होमवर्क की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा जिससे कि आप उसको प्रैक्टिकली समझ पाए। दोस्तों भाई बहन की इंग्लिश हमने जानी थी ब्रदर और सिस्टर, मुझे दोस्तों आपको आंसर देना है हम बड़े भाई को क्या बोलेंगे और छोटी बहन को क्या बोलेंगे। भाई को मैंने बताया दोस्तों हिंट के लिए ब्रदर, और बहन को बोलते हैं हम सिस्टर। आपको बस छोटा सा काम करना है होमवर्क में दोस्तों, बड़े भाई को हम क्या कहेंगे और छोटी बहन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इसका आंसर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं और चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी जाकर दे सकते हैं। दोस्तों जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक क्लियर नहीं होगा ये वर्ड्स। दोस्तों जानने का बेनिफिट तभी है जब आज के बाद आप रिलेशन का नाम इंग्लिश में बोलना शुरू करें। अगर दोस्तों आप कंटिन्यूसली हिंदी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। अब हिंदी बोलिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर जितने भी रिलेशंस के नाम मैंने आपको आज इंग्लिश में समझाए तो इन्हें प्लीज आज के बाद इंग्लिश में ही बोलना शुरू कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसको आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, इसको शेयर करना भी नहीं भूलेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। इनकेस दोस्तों फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा रिलेशन का नाम है जो आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।